साथियों, 130 करोड़ भारतीयों ने पहले से भी मजबूत सरकार बनाई है और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी घटना है। और 3 दशक बाद पहली बार, लगातार दूसरी बार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई है। भारत जिला विषय और देश, उसमें ये सिद्धि सामान्य नहीं है। और वैसे तो 1984 में भी लगातार दूसरी बार एक पार्टी की सरकार बनी थी, लेकिन उस समय के हालात आपको मालूम है, कारण क्या थे वो भी पता है, लोग वोट क्यों करने गए थे वो भी पता है, और इसलिए मैं उसका वर्णन नहीं करता हूं। लेकिन ये बात सही है कि 1971 के बाद देश ने पहली बार एक सरकार को प्रो इनकम्बेंसी जनादेश दिया है। साथियों, जो प्रचंड जनादेश भारत ने दिया है, आपको खुशी हुई कि नहीं हुई? तो ये जीत किसकी है? किसकी जीत है? जब मैं आपसे जवाब सुनता हूं, इतना आनंद आता है कि सच्चाई की जीत है, ये हिंदुस्तान के लोकतंत्र की जीत है। भारत के मन को आप जापान में बैठकर के भी भली भांति समझ पाते हैं, अनुभव कर पाते हैं। उनके एस्पिरेशंस और आपके एस्पिरेशंस के बीच में कोई फर्क महसूस नहीं होता है, तब जाकर के जवाब आपके मुंह से सुनने का अवसर मिलता है और तब मन को बहुत संतोष होता है कि हम सही दिशा में हैं। कभी कभी स्टेडियम में हम क्रिकेट मैच देखते हैं तो बाद में पता चलता है कि आउट कैसे हुआ, बॉल कहां से कहां गया था, लेकिन जो घर में टीवी पर देखता है, दूर से देखता है, उसको तुरंत पता चलता है कि वेवलेंथ में गड़बड़ है, इसलिए आउट। और इसलिए आप इतने दूर बैठकर जो हिंदुस्तान को देखते हैं तो सत्य पकड़ने की ताकत आपकी ज्यादा है। और इसलिए भी आपके जवाब सच्चाई की जीत, लोकतंत्र की जीत, देशवासियों की जीत, मेरे लिए जवाब बहुत बड़ी अहमियत रखते हैं, मुझे एक नई ताकत देते हैं, नई प्रेरणा देते हैं, और इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूं। डेमोक्रेटिक वैल्यूज के प्रति समर्पित रहते हुए, आशाओं और आकांक्षाओं के प्रति विश्वास इस जीत के पीछे भी एक कारण है। और कल्पना कीजिए, 61 करोड़ वोटर्स ने 40-45 डिग्री टेम्परेचर में अपने घर से कहीं दूर जाकर के वोट किया है। 61 करोड़, अगर चाइना को छोड़ दें तो दुनिया के किसी देश की पॉपुलेशन से ज्यादा मतदाता है ये। और भारत में लोकतंत्र की विशालता, व्यापकता, उसका भी अंदाज 10 लाख 10 लाख पोलिंग स्टेशंस, मोर देन 40 लाख ईवीएम मशीन, मोर देन 600 पोलिटिकल पार्टी एक्टिव थी, चुनाव में भागीदार थी, और मोर देन 8000 कैंडिडेट्स, कितना बड़ा उत्सव होगा लोकतंत्र का।
मानवता के इतिहास में इससे बड़ा लोकतांत्रिक चुनाव नहीं हुआ है और हर भारतीय को इस बात का गर्व होना चाहिए। भविष्य में भी इस रिकॉर्ड को अगर कोई तोड़ेगा, इस रिकॉर्ड को अगर कोई बेहतर बनाएगा, तो वो हक भी हिंदुस्तान के हाथ में ही है। एक प्रकार से इसका कॉपीराइट भारत के पास है। भारतीय होने के नाते हम सभी को, भारत के शुभचिंतकों को तो इस पर गर्व है ही, पूरे विश्व को भी ये प्रेरित करने वाला है। इससे फिर साबित हुआ है कि लोकतंत्र के प्रति भारत के सामान्य जन की निष्ठा अटूट है। हमारी लोकतांत्रिक संस्थाएं और लोकतांत्रिक प्रणाली दुनिया में अग्रणी है।